अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास केमिस्ट्री गैस पेपर जो कि इस साल के लिए वैलिड होंगे। पंजाब के टोटल 9 बोर्ड हैं, बोर्ड भी आप सुन लीजिए ताकि आपको क्लियर हो सके। पंजाब में टोटल 9 बोर्ड हैं जिनमें आ जाता है रावलपिंडी बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, डीजीखान बोर्ड, उसके बाद साईंवाल बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड और उसके बाद मुल्तान बोर्ड है। और टोटल 9 बोर्ड हैं, इन 9 बोर्ड की ये गैस पेपर हैं और इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो चैप्टर नंबर 1 है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइंड बायोकेमिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइंड फिजिकल केमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड गिव एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज वैलेंसी ऑन व्हाट व्हिच फैक्टर इट्स डिपेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज मीन बाय एलिमेंट्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं और जो नेक्स्ट चैप्टर हैं उनके बहुत कम हैं। तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लेना है और वीडियो को भी लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 है सॉफ्ट ड्रिंक इज मिक्सचर वाइल वाटर इज कंपाउंड गिव द रीजन, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज मेड बाय मिक्सचर गिव वन एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन होमोजेनियस मिक्सचर एंड गिविंग एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 11 है व्हिच गैसेस आर प्रेजेंट इन एयर राइट्स देयर नेम्स, क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, क्वेश्चन नंबर 14 है डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन एम्पेरिकल फार्मूला एंड गिव एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 16 है रॉयड केमिकल फार्मूलाज ये वाला आपने क्वेश्चन देख लेना है, क्वेश्चन नंबर 17 है डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, क्वेश्चन नंबर 18 है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज मेड बाय आयोन्स गिव एन एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज मेड बाय कैटायन, क्वेश्चन नंबर 21 है राइट टू डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। तो ये उर्दू वाले भी साथ साथ देखते हैं, यही क्वेश्चन है और यही उर्दू में जिनकी अगर बुक है तो वो ये वाले क्वेश्चन भी देख लें। और क्वेश्चन नंबर 22 है हाउ फ्री रेडिकल इज फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल्स, क्वेश्चन नंबर 24 है राइट डिफरेंस बिटवीन मोनो एटॉमिक एंड हेटरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, क्वेश्चन नंबर 25 डिफाइन ट्राई एटॉमिक एंड हेटरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड गिव वन एग्जांपल टू ईच, क्वेश्चन नंबर 26 है डिफाइन अवोगाड्रोस नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 डिफाइन मोल्स एंड गिव एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 28 है डिस्क्राइब द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम वाटर। तो ये थे जी चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो है वो ज़्यादा लेंथी है इस वजह से इसके क्वेश्चन ज़्यादा हैं। और इसके हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन एनी 5 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट 5 डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट डाउन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ केमिकल फार्मूला इज रिटन एक्सप्लेन इट्स 3 स्टेप। तो ये थे जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और ये थे जी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 2 है इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, उर्दू वाले भी साथ साथ देखते जाएं, यही क्वेश्चन उर्दू में भी हैं, अगर किसी के उर्दू में बुक है तो वो ये वाले क्वेश्चन देख सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज प्लम पुडिंग थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है राइट टू एंड 4 करेक्टरिस्ट ऑफ कैथोड रेस, क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब टू करेक्टरिस्ट ऑफ कैनाल रेस, क्वेश्चन नंबर 5 है राइट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, क्वेश्चन नंबर 6 है राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड, क्वेश्चन नंबर 7 है राइट टू डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड थ्योरी एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन डज एन इलेक्ट्रॉन इमिट और अब्सॉर्ब इनर्जी, क्वेश्चन नंबर 10 है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ जुड़े बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि जितनी भी गैस पेपर से रिलेटेड वीडियो हैं वो आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल एंड गिव एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 12 है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ फॉलोइंग एन ए एंड ए एल, ये सोडियम है और ये एल्यूमिनियम है,
इनकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन एंड बेरिलियम। तो मैं आपको बताता चलूँ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला एक क्वेश्चन लाजमी तौर पर पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड आयन्स। और क्वेश्चन नंबर 16 है राइट एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फेरस। क्वेश्चन नंबर 17 है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। क्वेश्चन नंबर 18 है डिफाइन आइसोटोप, गिव टू एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 19 है राइट टू यूजेज ऑफ आइसोटोप। क्वेश्चन नंबर 20 है फॉर व्हाट पर्पस ऑफ U235 यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 21 है डिफाइन न्यूक्लियर फीन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है राइट यूज ऑफ 131। और क्वेश्चन नंबर 23 है डिफाइन कार्बन डेटिंग। ये थे जी चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये जो शुरू वाले चैप्टर हैं ये ज़्यादा लेंथी हैं, इस वजह से इनके क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं, तो इनको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हम लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ किनाल रेज। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड आल्सो ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड डिफेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब द यूजेज ऑफ आइसोटोप। तो ये थे जी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 3। तो एक मिनट, ये है जी चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डोबर्नियर थ्राइड्स। और क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन न्यूलैंड एक्टिव्स लॉ। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन मेंडेलीव्स पीरियोडिक्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ पीरियोडिक लॉ। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेंडेलीव पीरियोडिक्स लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय पीरियोडिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मेनी ब्लॉक्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एंड पीरियोडिक। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज इन फोर्थ पीरियोडिक। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन एटॉमिक रेडियस। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाई साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है डिस्क्राइब ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लेस देन मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 18 है डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड गिव इट्स यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 19 है डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये थे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 3 के। अब हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर नंबर 3 के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस एनी 3 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन एटॉमिक रेडियस, गिव इट्स ट्रेंड्स इट्स पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, व्हाई डज इट्स इंक्रीज इन द पीरियड एंड डिक्रीज इन द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 के थे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इस साल पेपर में आएंगे लाजमी तौर पे। अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 2 है मैग्नीशियम एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, व्हाई मैग्नीशियम ट्रेंड इज टू लॉस इलेक्ट्रॉन। तो ये उर्दू में भी हैं, इनको भी आप रीड करते जाएं अगर किसी की बुक उर्दू में है, तो इंग्लिश वाले ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डू एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर, व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑक्टेट रूल। तो अभी मैं आपको एक बताता चलूँ कि इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और साथ जुड़े बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, और ताकि जितने भी गैस पेपर हों वो आपको इस चैनल पे मिल सकें, और वीडियो को भी लाइक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन डुप्लेट रूल। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन आयोनिक बॉन्ड विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई डज सोडियम फ्रॉम अ केमिकल बॉन्ड विद क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड गिव एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 9 है विच टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म इन N2 गैस। और क्वेश्चन नंबर 10 है डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्ग पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स एंड गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लेन पोलर
पोलर कोवलेंट बॉन्ड विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाई इज HF ऑफ वीक एसिड। क्वेश्चन नंबर 14 है डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाई डज अ कोवलेंट बॉन्ड बिकम पोलर। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज मीन बाय मेटालिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड गिव एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाई आइस इज हायर देन वाटर। क्वेश्चन नंबर 19 है आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एक्सलेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाई मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थे जी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के। तो अब हम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड एंड राइट इट्स टाइप्स विद वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो ये थे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और ये थे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के। अब हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो ये है जी चैप्टर नंबर 5 जो कि इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज डिफ्यूजन एक्सप्लेन विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड राइट्स इट यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन प्रेशर एंड राइट्स इट यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रीफली डिस्क्राइब द मोबिलिटी ऑफ गैस। क्वेश्चन नंबर 7 है वेदर और द इंटेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज ऑन कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन बॉयल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर राइट सीट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन चार्लीज लॉ। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाई ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉल डाउनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन एवापोरेशन एंड गिव एन एग्जांपल। और क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाई डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग। और क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज वेपर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑन व्हाट टू फैक्टर वेपर प्रेशर ऑन एनी लिक्विड डिपेंड। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 17 है डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 18 है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 19 है डिफाइन एलोट्रोप्स एलोट्रोपी एंड एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 20 है डिफाइन ट्रांजिशन टेम्परेचर गिव एग्जाम्पल। तो इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, यही पेपर में आएंगे। और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फैक्टर्स विच इफेक्ट द रेट्स ऑफ वेपर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एवापोरेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन बॉयल्स लॉ कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज चार्लीज लॉ ड्राइव इट फार्मूलाज। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द थ्री फैक्टर विच इफेक्ट द डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो ये थे यूनिट नंबर 5 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम चैप्टर नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल विद एग्जांपल। तो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूशन एंड पेयर ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन एक्वस सॉल्यूशन राइट्स इट्स कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज एन एलओ गिवन वन एग्जांपल। और क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज मीन बाय मास डिवाइड बाय मास परसेंटेज इसकी निकालनी है। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज मीन बाय परसेंटेज वॉल्यूम और वॉल्यूम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लेन परसेंटेज वॉल्यूम और मास विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज मीन बाय परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और क्वेश्चन नंबर 14 है डिफाइन मोलैरिटी एंड राइट इट इक्वेशन, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन मोलर सॉल्यूशन एंड गिव एन एग्जांपल। और क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन सॉल्युबिलिटी। और उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज मीन बाय लाइक डिसॉल्व लाइक, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 18 है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाई डू द कोलाइड्स शो ये टाइंडल इफेक्ट। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज मीन बाय कोलाइड गिव टू एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोलाइड एंड सस्पेंशन। क्वेश्चन नंबर 22 है डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड ऑफ कोलाइड। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज टाइंडल इफेक्ट ऑन व्हाट फैक्टर इट्स डिपेंड। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाई वी स्टेयर पैंट्स थ्रोली बिफोर यूज। क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट इज मीन बाय सस्पेंशन एक्सप्लेन इज इट विद एन एग्जांपल। तो ये थे जी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 के। तो अब हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन सोलबिलिटी गिव द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोलबिलिटी। और क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ सोलूट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस इफेक्ट द सोलबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव द 5 करेक्टरिस्टिक ऑफ कोलाइड। और क्वेश्चन नंबर 5 है कंपेयर द करेक्टरिस्टिक ऑफ कोलाइड एंड सस्पेंशन। तो ये हैं जी इन लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 के। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड गिव एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी गिव डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 6 है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन KCIO3। और क्वेश्चन नंबर 7 है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन गिव इन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हाइल द नेम ऑफ इट्स टाइप। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट्स गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स गिव टू एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट आर एनोड एंड कैथोड। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स सेल्स। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज गैल्वेनिक सेल गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 18 है राइट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट सेल एंड गैल्वेनिक सेल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट आर बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन नेल्सन सेल। उसके बाद है जी डिफाइन कोरोनियन। और क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाई O2 इन नेसेसरी ऑफ आर रोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज गैल्वेनाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्लोरीनियम। ये थे जी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 7 के। और अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन 4 रूल्स ऑफ आर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द रिडॉक्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ नोट्स ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब हम देख लेते हैं लास्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 8 है। तो चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन मेटल्स एंड गिव टू एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द नेम ऑफ 4 लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्वेश्चन नंबर 4 है कंपेयर 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट डाउन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइंड मेटालिक करेक्टर। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक्सप्लेन विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट एनी टू यूजेस ऑफ सोडियम। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट टू यूजेस ऑफ कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट यूजेस ऑफ मैग्नीशियम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाई प्लैटिनियम इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट यूजेस टू डाउन टू यूजेस ऑफ गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 15 है राइट टू यूजेस ऑफ सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाई कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो ये थे जी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 के।
और अब इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, और क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एनी 4 यूजेज ऑफ मैग्नीशियम, और ये भी आप साथ देखते हैं उर्दू में। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट डाउन 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। तो ये थे जी इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 के। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे ये वाले गैस पेपर, और इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। 100% ये गैस पेपर हैं और इन्हीं को आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर कर लेना है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को। और भी मेरे पास गैस पेपर मौजूद हैं जो कि आपको बताए जाएंगे इसी चैनल पर, और आपने सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को ताकि आपको जो है गैस पेपर मिल सकें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।